सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम को कुछ चटपटा खाना हो, इस नाश्ते को जब आप बनाकर खाएंगे तो आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ऐसा लगेगा कि और इस नाश्ते को खा लूं। और मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप तुरंत इस नाश्ते को बनाएंगे और इस नाश्ते को बनाते बनाते ही आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो चलिए आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ इस नाश्ते को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। अब चावल के आटे को डालेंगे हम एक बाउल में, फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। यदि दही ज्यादा खट्टा होगा तो जो नाश्ता है वो खाने में खट्टा लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। तो मैंने यहाँ पर उसी मेजिंग कप से पानी लिया है जिस कप से मैंने यहाँ पर दही लिया था। अब पहले हम दही और पानी को अच्छी तरह से पूरे चावल के आटे के अंदर मिक्स करेंगे। एक साथ ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। पहले हम थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बाद में हमें जितनी जरूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बैटर ये थिक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहले से ही ज्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा। यदि बैटर पतला हो गया तो आपको यहाँ पर बैटर को बराबर करने के लिए चावल का आटा और ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर बैटर लगाकर रेडी करना है। और मुझे यहाँ पर टोटल एक कप के ऊपर थोड़े पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इस बैटर को हम 15 मिनट के लिए ढक करके ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बैटर है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब तक हमारा बैटर सेट होता है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और तेल को यहाँ पर हम गरम होने देंगे। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब तेल यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राई जो है वो अच्छी तरह से चटक गई है। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच सौंफ। सौंफ को भी हल्का सा हम तेल में फ्राई होने देंगे। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है तो सौंफ को आप जरूर डालिएगा। अब सौंफ जो है वो भी हल्की सी फ्राई हो गई है तेल के अंदर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, फिर ऐड कर देंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 गाजर कद्दूकस की हुई, 1/2 कप यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। यदि चम्मच से नापेंगे तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप कॉर्न। अब सारी सब्जियों को हम हल्का सा पका लेंगे। आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे ये नाश्ता खाने में उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर हमें सब्जियों को पूरी तरह से नहीं पकाना है तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम इसे 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। सब्जियां जो है वो हल्की से पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। यदि चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर या नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक अब आपके टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आप इस नाश्ते को तीखा बनाना चाहते हैं। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर मुझे 1 मिनट हो गया इस तरह से चलाते हुए इन्हें पकाते हुए। गैस को हम बंद कर देंगे। जो सब्जियां हैं वो हल्की सी पक गई है। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर बैटर को रखे हुए 15 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं तो ढक्कन को हम हटा देते हैं और बैटर को एक बार हम इस तरह से चलाएंगे। अब जो हमने यहाँ पर सब्जियों को पका के रखा था वो सब्जियां भी हल्की सी ठंडी हो गई है तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्जियां डालने से इस नाश्ते का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे ये नाश्ता खाने में उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब पूरी पकी हुई सब्जियों को हम इस तरह से बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो फूड सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट लिया है। हम यहाँ पर 1 पैकेट पूरा यूज करेंगे और 1 पैकेट में यहाँ पर 1 चम्मच भरकर इनो निकलता है। अब इनो डालने के बाद साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो इनो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। इनो के साथ पानी डालने में क्या होगा कि एक तो हम बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर लेंगे और जो इनो है वो भी बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप पहले से ही ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिए।
तो मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। वापस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है नाश्ता बनाने के लिए। और इनो डालने के बाद आपको इस बैटर को रखना नहीं है, तुरंत ही नाश्ता बनाना स्टार्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से चार कटोरियां ली है, तो कटोरियों में हम इस तरह से ऑयल लगाकर कटोरी को ग्रीस कर लेंगे। अब जो बैटर हमने रेडी किया है उस बैटर को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैटर को आधा आधा ही भरना है कटोरी के अंदर, ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरिएगा क्योंकि जो नाश्ता है वो फूलेगा तो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर चारों कटोरियों में बैटर को फिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी डालकर पानी को गर्म होने के लिए रखा था, तो पानी यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम रख देंगे एक इस तरह का स्टैंड। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लेट रख सकते हैं और उसके ऊपर रखकर आप इस नाश्ते को पका सकते हैं। अब इस स्टैंड के ऊपर हम इस तरह से कटोरियां रख देंगे जिसमें हमने बैटर भर के रखा है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 20 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। जो हमारा नाश्ता है वो अच्छी तरह से पक गया है। 15 से 20 मिनट में नाश्ता पककर रेडी हो जाता है। अब इन कटोरियों को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसे हम कटोरी से बाहर निकालने से पहले इस तरह से हम चाकू से इसके किनारों को लूज कर लेंगे ताकि ये बहुत ही इजिली से निकले। अब इस तरह से हम कटोरी लेंगे और अपने हथेली पर रख इसे हम हल्का सा टेप करेंगे। वाह, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यह नाश्ता बना है। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है ये नाश्ता, ये देखिए, देखकर ही पता चल रहा है। तो इसी तरह से हम सभी को निकाल लेते हैं। अब एक पैन लेंगे हम और पैन में डालेंगे एक चम्मच तेल और तेल को अच्छी तरह से हम यहाँ पर गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिए थे 8 से 10 कड़ी पत्ते जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब कड़ी पत्तों को हम हल्का सा तेल में पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का। अब जो हमने नाश्ता बनाया है इस तरह से हम इसे तड़के के अंदर रख देंगे और 1-2 मिनट के लिए तड़के में हम इसे पलटते हुए पका लेंगे ताकि ये जो नाश्ता है ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रहे, तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब जो ये नाश्ता ये हल्का हल्का सा एक साइड से पक गया है तो इसे हम पलट देते हैं। इसे हमें ज्यादा तड़के में पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे भाप में पका लिया है। तो आप देख सकते हैं नाश्ते में दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, हल्का से तड़के में पक गए हैं। तो इसे उठाकर हम प्लेट में रखेंगे। ये देखिए, वाव, लुक वाइज भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। जब हम किसी के सामने सर्व करेंगे तो सर्व करने में भी बहुत ही बढ़िया दिखेंगे ये नाश्ता और जो हमारी भूख है वो और बढ़ जाएगी। चलिए अब मैं एक नाश्ते को आपको तोड़कर बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट। वाव, और इतने सारे सब्जियों के साथ जो बना हुआ है नाश्ता है ना, तो खाने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर खाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।